सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड्स, आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का है एक्सपेरिमेंट। वो बेसिकली एक टाइट्रेशन है। सो बेसिकली टाइट्रेशन ये ऑलरेडी मैंने अपलोडेड किया हुआ है, लेकिन वो उसका जो मतलब टाइमिंग है वो 21 मिनट का है। तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग होने की वजह से स्टूडेंट को थोड़ा देखने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो प्रैक्टिकल में उस प्रैक्टिकल को आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है। इसमें बस बेसिकली मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि ये जो मेरा चैनल है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी मैं मैक्सिमम प्रैक्टिकल कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सारे प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे 11th एज वेल एज 12th के। सो आप जाइए और इस चैनल को जरूर चेकआउट कीजिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जो प्रैक्टिकल मैंने सारे डिज़ाइन किए 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए। सो जाइए आप इसको और चेकआउट कीजिए। सो चलिए मैं ये टाइट्रेशन स्टार्ट करता हूँ, लेकिन इस टाइट्रेशन का मैं नाम बता देता हूँ। सो ये बेसिकली आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है और ये टाइट्रेशन है कि टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलारिटी ऑफ केमेनोफोर एंड टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट द फेरस अमोनियम सल्फेट। मतलब कि हमें केमेनोफोर का मोलारिटी ना फाइंड आउट करना रहेगा और फेरस अमोनियम सल्फेट की जो मोलारिटी वो गिवन होती है, दैट इज 0.1। सो 0.1 फेरस अमोनियम सल्फेट को और आप किस नाम से जानते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, मोहर सॉल्ट। सो फ्रेंड्स, मोहर सॉल्ट को हम टाइट्रेशन करने वाले किसके अगेंस्ट, केमेनोफोर के अगेंस्ट। और केमेनोफोर का जो मोलारिटी फ्रेंड्स वो हमें पता नहीं होती, तो हम उस मोलारिटी को फाइंड आउट करने के लिए टाइट्रेशन करते हो। टाइट्रेशन किसके किसके अगेंस्ट होगा आपका, केमेनोफोर और फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फटाफट फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाइए सारे वीडियोस चेकआउट कीजिए और मैं आपको ये टाइट्रेशन करके दिखाता हूँ। सो चलो मैं प्रैक्टिकल क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। ये वॉच ग्लास होता है और आपको वॉच ग्लास को इस वेइंग मशीन पर रखना होता है। मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब ये कुछ ना कुछ वेट दिखाता है, तो आपको क्या करना होता है, आपको तो इस वेट को नहीं लेना है, तो आपको क्या करना होता है, टेयर करना होता है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, टेयर कर दिया। अब आपको कितना लेना है, फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर सॉल्ट। आपने कैलकुलेशन से आपने देखा कि आपको कितना चाहिए, 3.92 ग्राम। बेसिकली आपके हैंडबुक पे भी लिखा होता है कि आपको 3.92 ग्राम क्या करना है, फेरस अमोनियम सल्फेट वेट करना है। सो मैं जो कि जैसे आप इसको डिसॉल्व करोगे 100 ml वाटर में, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0.1 मोल का हो जाएगा, ठीक है, 0.1 मोलार का हो जाएगा। तो मैं वेट करता हूँ कितना हो गया। सो बेसिकली फ्रेंड ये कितना हो गया, 3.9 ग्राम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मोहर सॉल्ट। अब हम वेइंग मशीन को यहाँ से हटा देंगे। फ्रेंड्स ये 3.9 ग्राम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट मैंने वेट कर लिया। सो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा बीकर लेना है, क्लियर। और इस बीकर में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 50 ml पानी डालिए। आप ज़्यादा पानी मत ऐड करिए, 50 टू 60 ml ही पानी डालिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कितना डाल दिया, 50 ml वाटर डाल दिया। और अब इस सारे जो सॉल्ट है, मैं सारे सॉल्ट को क्या करूँगा, इसमें पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर दूँगा, ठीक है, और इसको अच्छे से डिसॉल्व कर दूंगा। एक बात याद रखिएगा फ्रेंड, आप इसको अगर यहाँ पे आपको ऐड करना है तो आप ज़रा भी इसको मतलब मिस्टेक मत कीजिए, इसको ज़रा भी नीचे गिराइए मत, क्योंकि हो सकता है ये क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। सो अब इसमें क्या है, देख रहे हैं आप, बहुत सारा सॉल्ट इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। तो मैं इसको अच्छे से 2 से 3 बार वॉशिंग दूंगा और इसको इसमें ट्रांसफ़र करूंगा, ठीक है। अब देख रहे हैं इसमें ज़रा भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अब आपने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है, अब इसको आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से इसको डिसॉल्व कर देना है। इसको अच्छे से डिसॉल्व कर दूंगा यहाँ पे, और आपको बहुत ही अच्छे से इसको डिसॉल्व कर देना है फ्रेंड्स। वाटर 50 ml से ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं आपको इसको भी वॉशिंग देना रहता है। तो मेरा देख रहे हैं 80 ml पहुँच गया है, ठीक है। सो मैंने इसको वॉशिंग दे दिया। अब ये होता है स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क फ्रेंड्स। यहाँ पे एक लाइन होती है, यहाँ पे क्या होती है, एक लाइन। अगर आप इस लाइन तक लिक्विड को फिल करते हैं, फिल कर देंगे पूरा, तो ये 100 ml का आपका स्टैंडर्डाइज मेजरिंग फ्लास्क में 0.1 मोलार का FAS सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। सो अब मैं क्या करूँगा, जो भी मैंने बनाया है इसको क्या करूँगा, इसमें ट्रांसफ़र करूँगा इस ग्लास रॉड की हेल्प से, देख रहे हैं। अगर आप इस ग्लास रॉड की हेल्प से इसको ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो ये सारा सॉल्यूशन इस ग्लास रॉड की हेल्प से क्या होगा, धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। इसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स लगे होते हैं, जिसको आपको क्या करना है, 2 से 3 बार वॉशिंग देना। तो ये देखिए मैंने एक बार ऐसा वॉश किया और इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब फिर से मैं क्या करूँगा, एक बार और इसको वॉशिंग दूंगा और इसमें क्या करूँगा, ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है। अब ये सारा पार्टिकल्स इसमें से क्या हुआ है, निकल चुका है। सो अब आपको क्या करना है, आपको केयरफुली इस लाइन तक क्या करना होता है, फिल करना होता है। आप इसके लिए पिपेट भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने क्या कर दिया, केयरफुली इस लाइन तक फिल कर दिया है, ठीक है। अब फिल करने के बाद इसको पैक कर देना है और आपको 1 से 2 बार इसको ऐसे कर देना है फ्रेंड्स। आप इसमें एक ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर सकते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट का डिहाइड्रेशन नहीं होता है यहाँ पे, और एक क्लियर सॉल्यूशन मिलता है। सो मैं बेसिकली एक ही ड्रॉप, आपको बहुत ही थोड़ा सा मतलब एक ड्रॉप ही आपको क्या करना रहता है, ऐड करना रहता है। तो मैं यहाँ पे ये एक ड्रॉप क्या कर दे रहा हूँ, फेरस अमोनियम सल्फेट में इस H2SO4, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अगर आप चाहें तो एक ड्रॉप इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही क्लियर सॉल्यूशन ये देता है उसके बाद।
ठीक है। तो ये हमारा स्टॉक सॉल्यूशन 100 ml का बन के क्या हो चुका है, यहाँ पे रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी को टाइट्रेशन करना है, किसके अगेंस्ट, KMnO4 के अगेंस्ट। सो फ्रेंड्स, KMnO4 आपको ये देख रहे हैं, आपको ऐसा लैब में प्रोवाइडेड होता है KMnO4, आपको इसी का मोलरिटी फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको इसकी मोलरिटी पता है, इसकी मोलरिटी कितनी, 0.1, और आपको इसको क्या करना रहता है, फाइंड आउट करना रहता है। सो चलो मैं दिखाता हूँ कि KMnO4 को कहाँ यूज़ करते हैं। आपका ये होता है स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क, ये क्या होता है आपका स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क। ठीक है, यहाँ पे ना एक लाइन होती है, ये आपका जो स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क होता है कितने होता है, 100 ml का। तो आपको लिक्विड, आप जो सॉल्यूशन बनाते हो, आप इसको क्या करते हो, इसमें ट्रांसफर करते हो, आपका यहाँ तक भर जाता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि ये जो आपने बनाया, ये कैसा है, कलरलेस लिक्विड है, कैसा है ये, कलरलेस लिक्विड। तो कलरलेस लिक्विड के लिए क्या देखते हैं, लोअर मेनिस्कस। तो अब अपर मेनिस्कस और लोअर मेनिस्कस क्या होता है, सो अगर ऐसा कुछ क्रिएट होता है, आपने देखा होगा लिक्विड किसी भी चीज़ में रखोगे तो कुछ ऐसा कॉप जैसा क्रिएट होता है, तो इसको लोअर मेनिस्कस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लोअर मेनिस्कस। और कलर सॉल्यूशन रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, अपर मेनिस्कस। तो ठीक है, तो यहाँ पे जब लिक्विड फिल करोगे तो यहाँ तक भर जाएगा, उसके बाद जब वाटर से इसको डायल्यूट करोगे यहाँ तक 100 ml बनाने के लिए, तो आपको हमेशा देखना रहेगा कि ये जो ऐसा जो लेयर आएगा लिक्विड का, इसको लोअर मेनिस्कस बोलते हैं, ये वाला ना इसको ऐसे टच करना चाहिए, मतलब आप लिक्विड भर दोगे और ये वाला जो लेयर है ना ऐसे टच करना चाहिए, ऐसे नहीं टच करना चाहिए, लाइक यहाँ पे लाइन दिया हुआ है उस स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क पे, तो ऐसे नहीं टच करना चाहिए। वो बिल्कुल कैसे टच करना चाहिए, ऐसे टच करना चाहिए। ठीक है, लोअर मेनिस्कस उस लाइन को टच जैसे करेगा, आपका 100 ml का क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ये आपका ब्यूरेट होता है, ठीक है, तो ये मैंने 25 ml का ब्यूरेट लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, 25 ml का आपके पास ब्यूरेट होता है, आपको इस ब्यूरेट को क्या करना देना है, स्टैंड पे लगाना रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं इसको पहले स्टेप में देखो क्या करना होता है, आपको ये KMnO4 दिया होता है, ठीक है। सो आपको क्या करना रहता है कि आपको केयरफुली KMnO4 थोड़ा सा इसमें ऐड करना होता है, क्योंकि आप KMnO4 इसमें पूरा नहीं ऐड कर सकते, पहले आपको थोड़ा सा इसमें KMnO4 ऐड करके इसको अच्छे से रिंस करना होता है, ताकि इस KMnO4 का जो पूरा मॉलिक्यूल सही इस ब्यूरेट के आजू बाजू क्या हो, इजीली लग जाए, ताकि हम इसको भर सकें, नहीं तो ये इसको क्या कर देगा, डायल्यूट कर देगा ना, इसमें जो आजू बाजू जो वाटर लगा है इसको क्या कर देगा, डायल्यूट कर देगा। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसमें KMnO4 फिल करूँगा और इसको अच्छे से क्या करूँगा, रिंस करना बोलते हैं इसको, देखिए आप ऐसे करिए, इसको क्या बोलते हैं, रिंस। और रिंस करने के बाद इसको क्या कर देना है, आपको फेंक देना है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं आजू बाजू उसके पूरा KMnO4 लग चुका है। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करूँगा, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फिल करना स्टार्ट करूँगा। इसके लिए मुझे क्या लगेगा फ्रेंड्स, फनल। आप फनल ज़रूर लगाइए, हो सकता है KMnO4 आपके ऊपर गिर जाए, सो आप फनल ज़रूर लगाइए। सो मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, बहुत ही अच्छे से फिल कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो गया, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फील हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, आप जब यहाँ पे इसको फील करेंगे, तो यहाँ पे ना एयर बबल्स होता है, यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एयर बबल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इस एयर बबल्स को हमें निकालना पड़ता है और इसको जीरो पे क्या करना होता है, सेट करना होता है। सो फ्रेंड्स, आपको ब्यूरेट में कैसे भरना है, ये आपका ब्यूरेट दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका नॉब है। ठीक है, तो ब्यूरेट में भी यहाँ पे क्या होता है, 0 ml होता है। ठीक है, जब आप पूरा ऐसे भरोगे, इसमें फिल करोगे, तो ब्यूरेट में जो सोल्यूशन है वो KMnO4 सोल्यूशन है, और KMnO4 कैसा है, कलर सोल्यूशन है। तो कलर सोल्यूशन के लिए आपको क्या देखना रहेगा, अपर मेनिस्कस, मतलब जो भी आप लिक्विड इसमें भरोगे वो ऐसे नहीं होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, अपर मेनिस्कस उसका क्या होना चाहिए, पूरा अच्छे तरीके से फील होना चाहिए। तो मतलब एक चीज़ मैंने बता दिया कि अगर कलरलेस सॉल्यूशन को किसी चीज़ में फील करते हो, अगर वहाँ पे लाइन है तो बिल्कुल कप जैसा आपको देखना है, कि कप जैसा एंगल क्रिएट हो, और कलर सॉल्यूशन हो तो कलर सॉल्यूशन के लिए आपको कैसा देखना होता है, अपर मेनिस्कस देखना होता है। कैसा देखना होता है, कलर सॉल्यूशन के लिए अपर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एयर बबल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप ये खाली जगह देख रहे हो और ऊपर का पूरा ब्यूरेट क्या है, भरा हुआ है। सो आपको क्या करना है कि आपको ना इसकी हेल्प से इस एयर बबल्स को पूरा फील कर देना, मतलब आप इसको जैसे ही ओपन करोगे ना तो ये पूरा क्या होगा, ये लिक्विड इसमें पूरा भर जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं अब ये यहाँ पे क्या हो चुका है, पूरा फील हो चुका है अच्छे से। अब आपको क्या करना रहता है फ्रेंड्स, जीरो मेनिस्कस टच करना होता है। क्या करना होता है, जीरो मेनिस्कस। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ये जीरो है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, ये जीरो है। अब लिक्विड थोड़ा सा ऊपर है और ये कलर लिक्विड है, तो कलर लिक्विड के लिए क्या देखते हैं हम लोग, अपर मेनिस्कस। तो अपर मेनिस्कस पे हम इसको सेट करेंगे, तो इसको सेट करने का, अगर आपका लिक्विड ज़्यादा फील हो चुका है तो आप नीचे से नॉब ओपन करके उस लिक्विड को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आपको अपर मेनिस्कस देखना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको हल्का सा नॉब ओपन करोगे और ये लिक्विड को क्या करोगे, जीरो पे एडजस्ट कर दोगे। जैसे ये मेरा जीरो आ चुका है फ्रेंड्स, ये इसे आपको यहाँ पे यूज़ करना है।
फ्रेंड्स ये हमारे पास होता है पिपेट, और पिपेट के यहाँ पे एक लाइन होती है, ठीक है। अगर आप लिक्विड को सक करके यहाँ तक लेके जाते हो तो ये 10 ml का होता है। कितने ml का होता है? 10। आपको आपको क्या करना है, जो फेरस अमोनियम सल्फेट इसमें जो आपने प्रिपेयर किया है, ठीक है, आपको इसको क्या करना है, अच्छे से इससे पिपेट से शक करना है, कहाँ तक, इस लाइन तक, ठीक है। इसका भी लोअर मेनिस्कस टच होना चाहिए, और 10 ml पिपेट करने के बाद अगर फ्लास्क में आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो मैं आपको ये पिपेट आउट करके दिखाता हूँ क्या करते हैं, रिंस करते हैं, ठीक है। सो आपको इसको रिंस करने के लिए क्या करना है कि आपको इसको हल्का सा नॉब ओपन करना है, ठीक है। पिपेट में हल्का सा सोल्यूशन लेना है, बनाया वो मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं आप, यहाँ तक आ गया है फेस। अब इसको आपको बिल्कुल राउंड शेप में क्या करना है, इसको ऐसे करना होता है। ऐसा इसलिए करते हैं फ्रेंड ताकि इसके जो मॉलिक्यूल से इस पिपेट के आजू बाजू क्या हो जाए, लग जाए। नहीं तो अगर आप पिपेट आउट करोगे 10 ml, तो ये इसको क्या करेगा, डायल्यूट कर देगा, और आपको इसको फेंक देना है। से 10 ml क्या करना है, पिपेट आउट करना है। सो फ्रेंड्स मैंने क्या कर लिया, ये पिपेट आउट कर लिया। अगर अगर देखिए, अगर आपका जो लिक्विड है, इस जो लाइन है, अगर इससे ऊपर जाता है तो आपके यहाँ पे क्या होती है, उंगली होती है, आप इसको हल्का सा ऊपर नीचे करके यहाँ से लिक्विड को क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है, और उस लाइन तक एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरा ये एडजस्ट हो गया, तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र करूँगा। ये मैंने इसको कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर दिया, और लास्ट में फ्रेंड्स इसमें एक ड्रॉप होता है, उसको आपको नहीं लेना है, जितना जा रहा है उतना ही लेना है, क्लियर। ये एरर होता है, ठीक है, इसलिए आपको इसको नहीं लेना है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपको एक टेस्ट ट्यूब 2 नॉर्मल का H2SO4 ऐड करना है। सो ये है फ्रेंड्स, ये है मेरे पास H2SO4 जो मैंने बनाया है 2 नॉर्मल्स का, ये आपको कॉलेज में बना हुआ मिलेगा, और ये है मेरे पास टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब H2SO4 लेना है। मैंने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब H2SO4 ले लिया, और इस एक टेस्ट ट्यूब H2SO4 को जो आपने 10 ml पिपेट आउट किया था फेरस अमोनियम सल्फेट, उसको उसमें क्या कर देना है, ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। सो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब फ्रेंड्स क्या करना है, आपको टाइट्रेशन स्टार्ट करना है। किसके किसके अगेंस्ट ये टाइट्रेशन होगा, तो ये टाइट्रेशन होगा फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर सॉल्ट अगेंस्ट KMnO4। किसके अगेंस्ट होगा, KMnO4। अब आपको फ्रेंड्स धीरे धीरे टाइट्रेशन स्टार्ट करना है। एक चीज़ आपको और याद रखना है कि ये टाइल्स आपको नीचे ज़रूर रखनी, ताकि आपको ट्रांसपेरेंट कलर मिल सके, अदरवाइज ये क्या हो सकता है, आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकता है। आपका जो एंड पॉइंट होगा वो क्या होगा, कलरलेस टू लाइट पिंक। मतलब अभी देखो ये कैसा है, कलरलेस लिक्विड है, जैसे इसको ऐड करोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये लाइट पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, गाढ़ा पिंक या फिर बहुत ही ज़्यादा लाइट, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर का पिंक नहीं आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अभी इस हाथ से इसको पकड़, इस हाथ से आपको इसको पकड़ना है, और इस हाथ से ये पकड़ना है, ठीक है। और आपको इसको हल्का हल्का ओपन करना है, और इसको हल्का सा सर्कुलर मैनर में क्या करना है, टाइट्रेट करते हुए जाना है, ठीक है। जहाँ पर लाइट पिंक आएगी वहाँ पर आपको क्या करना है, रोक देना है, ठीक है। तो अभी मैं ये टाइट्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। सो फ्रेंड्स फाइनली मुझे लाइट पिंक कलर देख रहे हैं यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। इस कलर को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट पिंक कलर। और जो मेरी रीडिंग आई है वो, सो फ्रेंड्स आप ये देख रहे होंगे, ये 22 है और ये 22.5 है, ठीक है। सो बेसिकली हमारी जो रीडिंग आई है वो कितनी आई है, 22.5, क्योंकि इसमें अपर मेनिस्कस देखते हैं, तो हमारा जो लास्ट रीडिंग हम जिसको बोल सकते हैं वो कितना है, 25.5। अब आपको, सो फ्रेंड्स आपने देखा होगा मैंने आपको एक रीडिंग 22.5 निकाल के दिखाई है। सो ऐसी आपको 3 रीडिंग निकालने होंगे। मतलब आपको क्या करना है, आपको आपको जो ये कलर आया रहता है इसको वापस से आपको फेंकना है, क्लियर। 10 ml वापस पिपेट के थ्रू क्या करना है, इसमें से पिपेट आउट करना है, वापस इस कॉनिकल फ्लास्क में डालना है, क्लियर। आपको जो आपने पहले टाइट्रेट कर चुके हैं उसको आप फेंक देना, फेंक के इसको वॉश कर देना, फिर आपको क्या करना है, पिपेट से 10 ml वापस से इसको पिपेट करना है, सक्सेस में ट्रांसफर करना है, ठीक है। और 2 नॉर्मल का ये जो H2SO4 जो मैंने बनाया था, एक टेस्ट ट्यूब आपको वापस इसमें डालना है, ब्यूरेट को वापस फिल करना है 0 तक, ठीक है। और आपको इसको अगेंस्ट क्या करना है, टाइट्रेशन करना है। तो अगर आपका 22.5 आता है तो मतलब वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्लियर है। और आपको अगर नहीं आ रहा है तो 2 से 3 बार क्या करो, टाइट्रेशन करो, तो जो भी आपको कॉन्स्टेंट मिलता है, जैसे आपको 17 मिल गया, दूसरी रीडिंग भी 17 मिल गई, या फिर आपको पहली रीडिंग 18 मिलती है, दूसरी रीडिंग 17 मिलती है, और तीसरी रीडिंग भी 17 मिलती है, तो कोई भी 2 कॉन्स्टेंट आपको मिलनी चाहिए। जैसे 2 कॉन्स्टेंट आपको मिलते हैं, आप वहीं प्रैक्टिकल स्टॉप कीजिए, CBR में लिखिए 17, और आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। सो ऐसे करके आपको प्रैक्टिकल क्या करना है, स्टार्ट करना है। सो चलो एक बार और मैं टाइट्रेट करके देखता हूँ कि क्या मेरी 22.5 आती है, तो ये मेरा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट ब्यूरेट रीडिंग।
फाइनली मेरी इस बार भी रीडिंग 22.5 ही आई है, तो ठीक है, मेरा कॉन्स्टेंट ब्यूरेट रीडिंग कितना हो जाएगा 22.5। सो आपको आपको क्या करना है अभी, सोल्यूशन इन ब्यूरेट, ब्यूरेट में क्या रहता है KMnO4, सोल्यूशन इन कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क में क्या रहता है फ्रेंड बता दो, फेरस अमोनियम सल्फेट और एक टेस्ट ट्यूब क्या रहता है H2SO4, ठीक है। उसके बाद सोल्यूशन इन पिपेट में क्या रहता है FAS, पिपेट इसको बोलते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट होता है। इंडिकेटर हम कौन सा यूज करते हैं, तो KMnO4 इटसेल्फ एक्ट्स एज अ इंडिकेटर, ठीक है। एंड पॉइंट हमारा कैसा होता है, तो एंड पॉइंट हमारा होता है कलरलेस टू लाइट पिंक, ठीक है। अब आते हैं अपने ऑब्जर्वेशन टेबल, तो आपको ऑब्जर्वेशन टेबल तीन दिया रहता है, एक फाइनल, इनिशियल और डिफरेंस। फाइनल मतलब फाइनल के बाजू में आपको क्या लिखा है, पायलट रीडिंग, तो पायलट रीडिंग में आपको कितना लिखना है, मेरा कितना है, जैसे मेरा आया है 22.5, तो मेरा पायलट रीडिंग क्या हो जाएगा 22 से 23, जैसे आपका आता है 18 आता है, तो 18 किसके किसके बीच में आ रहा है, 18 और 19, जैसे आपका आता है 12.5, तो 12.5 किसके किसके बीच में आ रहा है, 12 to 13, तो ये आपका क्या हो जाएगा पायलट रीडिंग। अब आपको ब्यूरेट इन ML लिखना है, तो मेरी जो पहली रीडिंग आई थी वो कितनी आई थी 22.5, दूसरी भी आई थी 22.5, तो तीसरी भी मेरी कितनी आने वाली 22.5। ये हो गया इनिशियल, आपका 0.0 लिखा है, डिफरेंस, डिफरेंस में आपको क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो आपको कितना मिल जाएगा 22.5। CBR कैसे निकालोगे, CBR क्या रहता है आपका, जो आपको कांस्टेंट ब्यूरेट रीडिंग है, दोनों में क्या कांस्टेंट है बता दो 22.5, तो वहां पे क्या आ जाएगा 22.5। आपको कैलकुलेशन एज इट इज लिखते आना है, और लास्ट में आपको दिया है कि मोलारिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन 0.031 × 1000 upon CBR लिखा है, तो CBR की जगह पे आपको कितनी रीडिंग मिली 22.5, आपको कितना भी मिल सकता है वो आप वहाँ पे रखिए × 158। आप इसको जब डिवाइडेड करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, और आपका क्या होगा, यही आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल्स है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, मैंने ऑलरेडी इसके वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन इसमें बहुत ही मैंने शॉर्ट तरीके से और बहुत ही इजी वे में इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको बहुत ही डिटेल्स में चाहिए, वाइवा के क्वेश्चन चाहिए कि इसके ऊपर कैसे वाइवा के क्वेश्चन आता, तो आप मेरा एक 21 मिनट का वीडियो, सेम इसी यही वीडियो है, आप उसको जाके देखिए, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा उसमें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रैक्टिकल एंड प्लीज सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल। थैंक यू, आपको इसमें सारे प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। आप इस चैनल को जरूर चेकआउट कीजिए। थैंक यू।